डे इन 1972, एक दिन 1972 में 10 ईयर्स ओल्ड रिबेका, बैकी, तो बैकी जो है वो रिबेका का निकनेम है, वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। तो जो रिबेका है वो अपनी मदर के साथ मार्केट जाती है। व्हाइल हर मदर शॉप्ड, जब उसकी माँ जो थी वो शॉपिंग कर रही थी, बैकी सैट इन द कार एंड डिड हर मैथ्स होमवर्क। जो बैकी है वो कार में बैठ जाती है, बैठी रहती है और अपना मैथ्स का होमवर्क करती है। अ लिटिल लेटर, थोड़े समय बाद, इट ग्रू डार्क, अंधेरा हो जाता है, एंड सी हैड टू स्टॉप वर्किंग, और उसे अपना जो काम जो कर रही थी वो उसे रोकना पड़ता है। सी फेल्ट दैट, उसे ऐसा महसूस होता है, फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस होना, सी हैड समथिंग टू लाइट अप द स्ट्रीट, कि यदि, इफ सी हैड समथिंग टू लाइट अप द स्ट्रीट, मतलब यदि उसके पास कुछ ऐसा होता कि वो अपनी जो शीट है उसको लाइट अप कर लेती, उस पर रोशनी आ जाती, शी कुड हैव डन अ फ्यू मोर सम्स, तो वो कुछ और सम कर सकती थी। एट होम, घर आने के बाद, बैकी थॉट ऑफ ग्लो इन डार्क टॉयज, तो उसने सोचा कि वो जो टॉयज होते हैं जो कि अंधेरे में चमकते हैं, उनके बारे में उसने सोचा। सी गॉट एन आइडिया, तो उसे एक आइडिया आया, एंड सी शेयर्ड इट विद हर फादर, और उसने उस आइडिया को अपने फादर के साथ शेयर किया कि अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हम जो हमारी शीट्स हैं उनको लाइट अप कर लें तो हम अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। बैकीज फादर वॉज हैप्पी टू हेल्प हर विद हर आइडिया, तो जो बैकी के फादर थे वो बड़े ही खुश हुए उनको उस आइडिया में हेल्प करके। ही टुक हर टू द मार्केट, वो उसे मार्केट लेके गए, एंड दे बॉट अ पेल ऑफ फास्फोरेसेंट पेंट, और उन्होंने फास्फोरेसेंट पेंट जो था वो खरीदा। फास्फोरेसेंट पेंट जो होता है बेटा, वो ऐसा होता है जो कि अंधेरे में ग्लो करता है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ पेंट दैट ग्लोज इन द डार्क, कि ये एक स्पेशल काइंड का पेंट होता है जो कि अंधेरे में ग्लो करता है, चमकता है। बैकी पेंटेड अ प्लास्टिक बोर्ड विद द पेंट, बैकी ने क्या किया, एक प्लास्टिक बोर्ड को उस पेंट के साथ पेंट किया। शी फर्स्ट प्लेस द बोर्ड इन अ वेल लिट रूम, तो पहले उसने एक जहाँ पे रोशनी थी अच्छी सी वहाँ पे उसने उस बोर्ड को रखा, एंड देन शी प्लेस्ड इट इन ए डार्क रूम, और उसके बाद उसने उसे एक डार्क रूम में रख दिया। द बोर्ड ग्लोड इन द डार्क, जो बोर्ड था वो डार्क में चमकने लगा, अंधेरे में वो चमकने लगा। देन शी प्लेस्ड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बोर्ड, और उसने क्या किया, उस बोर्ड के ऊपर एक जो पेपर की शीट थी वो उसने रखा, मतलब उसने कागज उस शीट बोर्ड के ऊपर रखा, एंड द पेपर लिट अप, तो जो पेपर था वो भी चमकने लगा, उस पर लाइट आ गई। बैकी रोट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑन द पेपर, शी कुड राइट इन द डार्क, और जो बैकी थी उसने कुछ सेंटेंसेस लिखे उस पेपर के लिए और अब वो अंधेरे में भी लिख सकती थी। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, बैकी कॉल्ड हर इन्वेंशन ग्लो शीट एंड सोल्ड इट इन द मार्केट, तो जो बैकी थी उसने कुछ सालों के बाद क्या किया, अपना जो इन्वेंशन था उसको उसने ग्लो शीट का नाम दिया और उसने उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। समटाइम्स पीपल लाइक माउंटेनर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एस्ट्रोनॉमर्स, पुलिसमैन एंड न्यूज रिपोर्टर्स हैव टू रीड और राइट इन द डार्क, सच पीपल फाइंड ग्लो शीट्स वेरी यूजफुल। तो समटाइम्स, कई बार, पीपल्स लाइक माउंटेनर्स जो होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, तो इनकी इनका जो काम होता है वो ऐसा होता है कि इन्हें भी रात को अंधेरे में लिखना पड़ता है या फिर पढ़ना पड़ता है। तो सच पीपल फाइंड ग्लो शीट्स वेरी यूजफुल, तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें ये जो ग्लो शीट्स हैं वो बड़ी ही यूजफुल है उनके लिए। तो बेटा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इन्वेंशन है ये है रेंडर्स एंड द मैजिक स्पॉन्ज ब्लॉक्स, तो आप ये साइड में जो देख रहे हैं ये मैजिक स्पॉन्ज ब्लॉक्स हैं। सो इन 2005 में टेलर हेंडरस मेड द मैजिक स्पॉन्ज ब्लॉक्स, उन्होंने जो मैजिक स्पंज ब्लॉक हैं ये बनाए, एंड वोन द जस्टिस अवार्ड फॉर इन्वेंशन, और उन्होंने जो जस्टिस अवार्ड है इन्वेंशन के लिए वो जीता।
शी वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, और वो केवल 10 साल की थी. शी वॉन्टेड टू क्रिएट लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद विदाउट गेटिंग हर्ट. तो वो क्या चाहती थी कि जो लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो बनाना चाहती थी ताकि बच्चे उससे खेल सकें और उनसे उसे चोट भी ना लगे. दिस स्पंज ब्लॉकिंग ब्लॉक्स आर लाइट एंड सॉफ्ट. ये जो स्पंज होता है, स्पंज क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हम डस्टर वगैरह में भी यूज करते हैं, तो वो बड़ा ही नरम होता है. तो उस स्पंज को उसने यूज किया और ब्लॉक्स को बनाया, तो वो बड़े ही हल्के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. इनसाइड ईच ब्लॉक इज अ स्मॉल मैग्नेट दैट मेक्स वन ब्लॉक स्टिक टू अनदर. तो इन ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है कि मैग्नेट लगा होता है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं. दे आर सेफ फॉर चिल्ड्रन. वो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हैं क्योंकि वो ना ही तो भारी होते हैं, ना ही उन्हें से चोट लगने का खतरा होता है, वो हार्ड भी नहीं होते हैं. एंड इफ द ब्लॉक्स टम्बल दे डोंट हर्ट द प्लेयर्स. और अगर जो ब्लॉक्स हैं वो गिर भी जाते हैं तो उससे जो खेलने वाले जो बच्चे हैं उनको चोट नहीं लगती है. द ब्लॉक्स आर इजी टू स्टोर एज दे कैन बी प्रेस्ड डाउन एंड पैक्ड इनटू अ बॉक्स. अब ये ब्लॉक्स जो हैं इनको पैक करना भी बड़ा ही आसान है, इनको स्टोर करके आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएंगे और इन्हें हम एक छोटे से बॉक्स में भी रख सकते हैं. सो लुक अराउंड केयरफुली. तो आप भी आज अपने जो चारों तरफ हैं वो बड़ी केयरफुली देखें. थिंक हार्ड एंड यूज योर इमेजिनेशन. तो आप अपने जो सोच है उसको बढ़ाएं और देखें कि आप अपने इमेजिनेशन से क्या नया कर सकते हैं. यू कुड बी द नेक्स्ट इन्वेंटर. तो आप ऐसा करके नए इन्वेंटर बन सकते हैं. तो आपने देखा कि ये जो बच्चे हैं ये सभी आप ही की उम्र के हैं और आप भी ऐसा ही कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. ठीक है, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है ये करने की कोशिश करनी है. आपने लेसन पढ़ा है. नंबर दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. इन जो सेंटेंसेस है इनको आप करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे. फ्रैंक वेंट इनसाइड द हाउस बट ही फॉरगॉट टू टेक द ग्लास अलोंग. फ्रैंक जो है वो घर के अंदर चला जाता है लेकिन वो ग्लास को अपने साथ ले जाना भूल जाता है. ही स्टर्ड सम सोडा पाउडर एंड वाटर विद अ मिक्सिंग स्टिक. उसने सोडा पाउडर और वाटर को एक मिक्सिंग स्टिक के साथ मिक्स किया. फ्रैंक वांटेड टू मेक अ ड्रिंक फॉर हिमसेल्फ. सॉरी हिमसेल्फ, जो फ्रैंक था वो अपने लिए एक ड्रिंक बनाना चाहता था. फ्रैंक सर्व हिज चाइल्डहुड इन्वेंशन टू मैनी पीपल. जो फ्रैंक था उसने अपना जो चाइल्डहुड इन्वेंशन था उसको कई लोगों को सर्व किया. ही फाउंड अ फ्रोजन ट्रीट इन द ग्लास. और उसे एक फ्रोजन ट्रीट जो थी ग्लास के अंदर मिली. तो आपको इनको नंबर करना है. सबसे पहला कौन सा सेंटेंस है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस है. सेकंड है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट आंसर्स. इनमें करेक्ट आंसर्स को आप चूज करेंगे और अपने आंसर्स यहाँ पर मार्क करेंगे. फ्रैंक इन्वेंटेड पॉपसाइकल्स. जो फ्रैंक था उसने पॉपसाइकल्स इन्वेंट की. आफ्टर फॉलिंग इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स. जब फेल हो गया कई एक्सपेरिमेंट्स में. आफ्टर फेलिंग इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ फायरमैन. फायरमैन की हेल्प से या फिर सी है एक्सीडेंटली, अचानक ही. तो आपको इसका आंसर करना है. दूसरा है एप्सिकल आइस पॉप वॉज सोल्ड. जो एप्सिकल आइस पॉप थी वो बेची गई इन मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट्स. इन मैनी फ्लेवर्स एंड ऑन बीचेस ओनली. इन वन फ्लेवर एंड एट पार्टीज ओनली. तो सबसे पहला है इन मैनी फ्लेवर्स एंड इन लार्ज मार्केट. कई सारे फ्लेवर्स में और बड़े बड़े मार्केट्स में इनको बेचा गया. इन मैनी फ्लेवर्स एंड ऑन बीचेस ओनली. और कई फ्लेवर्स में और लेकिन केवल बीच पे इसको बेचा गया. या फिर इन वन फ्लेवर एंड एट पार्टीज ओनली. या फिर केवल एक ही फ्लेवर में और सिर्फ पार्टियों में ही इसे बेचा गया. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करना है.
थर्ड है बेकीज़ इन्वेंशन वॉज मेड, जो बेकी का इन्वेंशन जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, इन द मार्केट, उसको मार्केट में बनाया गया, इन द कार, कार में बनाया गया, या फिर इन हर हाउस, या फिर उसके घर में बनाया गया। तो बेकी का जो इन्वेंशन था वो कहाँ पे बना। पीपल लाइक ब्लैंक फाइंड द ग्लो शीट्स वेरी यूजफुल। तो जो पीपल हैं, जो नीचे हैं, इनमें से आपको कौन सा लगता है जो कि जो ग्लो शीट्स है उनके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होती हैं? तो स्टेशनरीज, जो स्टेशनरी बेचते हैं वो, माउंटेनियर्स जो माउंटेन पे जाते हैं, चढ़ाई करते हैं वो, पर्वतारोही जो होते हैं, या फिर ग्रोसर्स जो ग्रोसरी का सामान बेचते हैं वो। तो किन के लिए जो ग्लो शीट्स हैं वो बड़ी ही यूजफुल होती हैं, ये आप यहाँ पे मार्क करेंगे। सो बेटा आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।